कहता था ना कि तू अगर तू चली जाएगी तो मैं तेरे को चीरा मार दूंगा, तेरे घर वाले को मर्डर कर दूंगा। माँ और वो मेरे को रॉड से मारने के लिए किए, तो मैं जान सर उसको मार के और भाग गया सर वहाँ से। 2 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया गया। मैं उसको सोना और पैसा दिया था। ये भी पता चलता है कि लड़की भी लड़के के साथ मिलकर के चोरी किया करती थी। प्रीतम सिंह और आपकी लड़की के बीच प्रेम प्रसंग ऐसा कुछ था? क्योंकि जबरदस्ती था, एक हाथ से ताली नहीं बजता सर, वो खुद अपने से गई तब मैं लेके गया। किसी को सर मैं जा तो किसी को सर मार के छीन के झपट के नहीं ले जा पाऊंगा। कि लड़की जो थी वो अब से कुछ महीने पहले उसी लड़के प्रीतम सिंह के साथ अपने घर से भाग गई थी। प्रीतम नाम का लड़का था जिसने एक लड़की को कटर मारा है, और कटर मारने के बाद वहाँ से फरार हो गया था। यूपी से वो डोंगरगढ़ गया था, और डोंगरगढ़ के बाद वो भिलाई आता है, लड़की से अपना सोना और पैसा मांगता है जो चोरी किए हुए थे ये लोग। सर लोकर लिए मैं सिर्फ मोबाइल छीना हूँ और एक घर में सर एक स्टनर, और वो घर में चोरी किया हूँ बस। एक था बुल, एक थी बुल, बुलबुल बोले सुन बाबुल। ये बॉलीवुड की एक फिल्म है जिसके गाने का ये शुरुआती लाइन है, और ये लाइन बोलने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि एक बाबुल ऐसे हैं जिनको सुनना बहुत कन्फ्यूज़न भरा है। कन्फ्यूज़न भरा इसलिए क्योंकि इस कहानी में इतने सारे कन्फ्यूज़न हैं, और तीन तीन कन्फ्यूज़नों के दीवार को पार करते हुए हमने 5 घंटा इसमें खपाया, जांच की, भीतर तक गए तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जिसको दिखाने के लिए कैमरे के सामने मैं सीमांत कश्यप और कैमरे के पीछे सचिन भाऊ के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मामला शुरू होता है उन बुलबुल के मिलन का, मिलन चौक से, भिलाई के मिलन चौक। और मिलन चौक में आज एक मामला होता है, आज एक कांड होता है। कांड ये होता है कि एक लड़का एक लड़की के घर में घुसता है, और उसके बाद उन दोनों के बीच कहासुनी होती है, बोलचाल होती है, झगड़ा झंझट होता है, और उसके बाद लड़का अपने जेब से कटर निकालता है, लड़की के ऊपर वार करता है, लड़की बीच बचाव के लिए हाथ लाती है, हाथ और कान में कटर लगता है, लड़का वहाँ से फरार हो जाता है। जब तक लड़की जो थी उसकी माँ पुलिस वालों को फ़ोन करती है, पुलिस वहाँ पहुँचती है, तब तक लड़का वहाँ से भाग जाता है। पुलिस लगातार मशक्क़त में लगी हुई थी, मिलन चौक का पूरा मामला जैसे कि मैंने पहले बताया, और इस पूरे मशक्क़त के बाद 2 घंटे के अंदर छावनी पुलिस ने, छावनी थाने के जो TI हैं चेतन चंद्राकर, उन्होंने अपनी टीम को वहां पर लगा दिया, और उसके बाद 2 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया गया। लेकिन ये कहानी के तार पकड़ते पकड़ते हमारे पसीने छूट गए, वो इसलिए कि जब हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिर भैया ऐसा क्यों हुआ, तो पहला एंगल आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 3 से 4 एंगल हैं, तो पहला एंगल ये है कि पहले 12 बजे के करीब ये पूरा मामला होता है, 12:30 के आसपास, और उसके बाद जो है ये मामला जब शुरू होता है उसके बाद लड़की लहूलुहान हो जाती है, लड़का फरार हो जाता है, लड़के को पकड़ने के लिए पुलिस उसके पीछे भागती है, लड़की को उसके माँ बाप लेकर के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल जाते हैं, वहाँ पर उसका इलाज होता है, इलाज के बाद मरहम पट्टी होती है। मरहम पट्टी के दौरान जब पूछा जाता है लड़की की माँ से कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो वो कहती हैं कि यहाँ पर एक लड़का आया और इस तरह से उसने हरकत की और उसने मारने की कोशिश की। अब भाई कोई लड़का किसी लड़की को क्यों मारेगा, कोई तो कारण होगा, कोई तो रीज़न होगा। बस वही रीज़न वो माँ नहीं बता रही थी, लेकिन उस माँ ने ये तक बोल दिया कि पुलिस वाले इन सारी चीज़ों को लेकर के गैर जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ा गया। अब ये कहानी किस तरह से सिलसिलेवार ब्यौरा आप सुनिएगा, किस तरह से इसकी परत खुलती है। ये होता है एक एंगल जो अस्पताल में लड़की के माँ बयान देती है, लड़की बताती है कि लड़का उसे परेशान करता है। उसके बाद जब हम लड़की की माँ से बात करते हैं अलग से, जब उनसे और ज़्यादा पूछताछ की हमने शाम के समय, तब लड़की की माँ ने बताया कि लड़की जो थी वो अब से कुछ महीने पहले उसी लड़के प्रीतम सिंह के साथ अपने घर से भाग गई थी। और लड़की की माँ का ये कहना है कि लड़की को चाकू के नोक के दम पे प्रीतम सिंह उस लड़की को वहाँ से भगाकर ले गया था। लड़की की उम्र कम है इसलिए हम उसका नाम जाहिर नहीं कर सकते। यहाँ से ये होता है कि लड़का जो है चाकू के दम पे लड़की को लेकर के दिल्ली गया है, ऐसा लड़की की माँ ने बताया। और दिल्ली ले जाने के बाद
वो लोग वहीं पर थे काफ़ी दिनों तक। उसके बाद बीच में लड़की की माँ से बातचीत हुई, लड़की और उसकी माँ की बातचीत होती है। उसके बाद लड़की की माँ उसे बुला लेती है, लड़की वापस आ जाती है। वापस आने के बाद लड़का जो था बौखलाया हुआ था, और इसी बौखलाहट की वजह से वो वापस भिलाई आता है दिल्ली से, और उसके बाद उसके घर में घुसता है और उसके बाद उस पर वार करता है। ये लड़की की माँ का कहना था। लेकिन जब ज़्यादा हमने पूछताछ की तो पता चला कि इसमें कोई और एंगल भी है। अब ये दूसरा एंगल मैंने बताया था, तीसरा एंगल हमने उस शख्स से बात की जो शख्स इस पूरे कहानी का मुख्य किरदार है, और मुख्य किरदार है प्रीतम सिंह, जो कटर चला रहा था उस लड़की के ऊपर। जब हमने उससे बात की, क्योंकि उसे ले जाया जा रहा था तो हमने बीच में रोकते हुए उससे बात करने की कोशिश की। इस दौरान उसने काफ़ी कुछ बताया है, वो भी चीज़ हम आपको बताएंगे। सारांश में बता देता हूँ, लड़के का ये कहना है कि लड़की उसके साथ उसकी मर्जी से गई थी। लड़के का ये भी कहना है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, और उसके बाद जाने के बाद वो लोग दिल्ली में थे। दिल्ली में भी चोरी की कई ऐसे वारदात को उन लोगों ने अंजाम दिया। लड़के का ये कहना है कि लड़की जब दिल्ली से यहाँ आ गई, भिलाई आ गई, जब उसकी माँ ने उसे बुला लिया, उसके दौरान भी लड़का जो है लड़की के घर पैसे भेजा करता था। लड़की को उसने कुछ पैसे और सोने के कुछ जेवरात दिए थे, जिसको लेने के लिए लड़का जो है जो अपने गांव चले जाता है दिल्ली से यूपी से, वो डोंगरगढ़ गया था, और डोंगरगढ़ के बाद वो भिलाई आता है, लड़की से अपना सोना और पैसा मांगता है जो चोरी किए हुए थे ये लोग। लड़की बोलती है कि उसके पिता के इलाज में ये सारे पैसे लग गए। लड़का बौखलाता है, बोलता है कि मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, और इसी दौरान ये सारी चीज़ें होती है। ऐसा लड़के का कहना है जो आरोपी सिद्ध हो रहा है। अब इसमें लड़की और लड़के की जो मिलीभगत थी, इसका स्पष्ट रूप सामने आता है, क्योंकि एक तरफ आपको लड़की की माँ का भी बयान दिखाएं और दूसरी तरफ आपको लड़के का भी बयान दिखाएं। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस गहन स्पष्टता से लगी हुई थी इसके पीछे, और इसके दौरान काफ़ी सारी मशक्क़तें झेलनी पड़ी, और 2 घंटे के भीतर जो है आरोपी को पकड़ा गया, और आरोपी को फ़िलहाल तो अभी रखा गया है और जांच पड़ताल की जा रही है कि उसने लोकल क्षेत्र में कहां कहां चोरी की थी। हालांकि उसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी है, वो भी आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। आज आपकी बेटी के ऊपर चाकूबाजी वाली घटना हुई है, क्या हुआ था थोड़ा सा स्पष्ट बताएंगे? सुबह से वो अपने पापा को दुकान से लेकर आई, तुरंत लेकर आई, 5 मिनट बाद वो कॉल करता है मेरे मोबाइल में, तो मैं उठाई, मैं बोली क्या घर आ गया है क्या, उसकी माँ का नंबर देखी, उसकी माँ का नाम जो लिखा है वो देखी, बोली घर आ गया क्या, तो बोलता हाँ, वो लड़के की माँ का, तो देखते ही मैं समझ गई कि तो इसकी माँ का नंबर है, तो अपनी माँ के नंबर से किया तो घर ही आ गया है, तो बोलता हाँ घर आ गया, अभी से बात कराओ मेरी बेटी को, तो बात कर, तो मैं बोली क्यों बात कराऊँ, नहीं बात कराऊँगी, तो बोलता है आ जाऊँगा घर, अभी आ जाऊँगा, अभी आ जाऊँगा घर, मैं बोली कैसे आ जाएगा तू घर, तो मैं अपना ना, मेरे को तपर भी डर लगा, तो मैं गेट बंद कर दी, गेट बंद करने के बाद देख रही हूँ वो स्कूल के छत फान के और मेरे आंगन में आ गया, आया दिखा फोन दिखा ऐसे बोला, फिर बोलता है ना आप तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को जान से। अच्छा ये बताओ, आप जिस लड़के के बारे में बता रही हैं, जिस लड़के ने आपकी लड़की को चाकू मारा है, ये लड़का कहाँ रहता है? दुर्गा विद्यालय के सामने। आपके घर के कितनी दूर होगा? थोड़े ही दूर है, पास में ही। पास में। हाँ। अच्छा। तो ये आपके घर क्यों आया था? मारने के इति से। क्यों मारना चाहता है? उसके साथ चल, तू क्यों यहाँ रह रही है? अच्छा। हाँ, इसी के लिए। तो इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ था क्या कि लड़की लड़के के साथ कहीं गई थी? हाँ सर, गई थी, वो ट्यूशन गई थी, ट्यूशन से 8 बजे छुट्टी ट्यूशन में, तो मैं गई, मतलब आधे रास्ते में थी, सर वहाँ के ट्यूशन वाले सर बोले नहीं चली गई, छुट्टी हो गया, मैं बोली कहाँ, तो तुरंत मेरे को फ़ोन कर रहा है, अब तू खोजते रह जा, लड़की को मैं ले लिया, हाँ लेके चले गए। अच्छा, जो लड़का प्रीतम सिंह आपकी लड़की को मारने घुसा था, वो लड़की, ये कब की घटना बता रही हैं आप पहले? ये जनवरी 2 तारीख। जनवरी 2, 2024। हाँ। 2024 को आपकी बेटी को इस ट्यूशन से ही लेकर के वो चले जाता है। हाँ। और कब आया वापस?
उसको 4-5 महीने ले रख के 4-5 महीने रखा। हाँ, तो आप पुलिस में आए थे? हाँ, आई थी उस समय जब मेरी बेटी मिल गई, तो मैं अपने हस्बैंड को लेके तबीयत खराब रहने लगा, तो मैं शंकराचार्य एडमिट कभी आईसीयू तो, में जब बेटी मिल गई तो आप पुलिस के पास आए थे कि मिल गई है या हाँ, फिर हाँ एक बार आई थी कि मतलब आई थी कि मेरी बेटी मिल गई है सर, ऐसा ऐसा है करके मैं बता दी, तो सर मेरे को केस को रफा दफा कराना, मैं कहाँ लेके घूमते रहूँगी करके इस चीज़ के लिए मैं बोली थी, कहाँ घूमते रहूँगी सर, मैं अपने पति को लेके ही परेशान हूँ। मतलब ये प्रीतम सिंह और आपकी लड़की के बीच प्रेम प्रसंग ऐसा कुछ था? क्योंकि जबरदस्ती था, जबरदस्ती लेके गया था। अच्छा, तो किडनैपिंग का इसमें तो वो बनता है, किडनैपिंग है। आपने ऐसा क्यों कहा कि नहीं हम कुछ केस नहीं चाहते? मतलब ये तो बड़ी बात है, आपकी बेटी है। सर जब वो लेकर आ गया ना, तो मैं अपने पति को लेके, किडनी खराब हो गया है दोनों, तो मैं जैसे तैसे उनका इलाज ही करा रही हूँ, तो मैं कोर्ट कचहरी करूँ कि अस्पताल घूमूं, कहाँ जाऊँ? मेरा ये कहना है मैडम, आपकी लड़की को एक लड़का लेके चले जाता है ट्यूशन से, 4 महीने बाद वो लाके छोड़ देता है। 4 महीने के बीच में आपसे कोई कांटेक्ट बातचीत नहीं हुई बेटी की? बीच में कांटेक्ट हुआ, तभी तो मैं उसको बुला ली ना। अच्छा। कि बाबू कैसे भी बेटी आ जा, पापा का बहुत तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, ऐसे कर करके मैं बुलाते कैसे भी आई। हाँ, लेकर आई अपने उसी के घर आई थी, तो मैं मतलब लेकर आई मैं उसको अपने उसके घर से। आप लेके आए? हाँ, मैं उसको पकड़ के लेकर आई। अच्छा। कि क्यों रहेगी इसके घर। तो आपको पता था पहले से वो कहाँ है? हाँ, दिल्ली लेके रहता था। नहीं, आप उसको घर से ला रही हैं फिर बोलती हैं वो दिल्ली लेके रहता था? जब मेरे घर के पास जब लेकर आया ना, मेरे को कॉल किया था स्टेशन में कि हम लोग आ रहे हैं करके, वो और उसकी माँ भी दोनों जन लेकर आए। अच्छा। लड़की को तो मैं, मेरे को पता चल जाएगा तो मैं लड़की को तो लेकर आऊँगी ही ना अपने घर। तो ये जबरदस्ती, मतलब लड़की को जबरदस्ती वो ले गया, आप जैसे बता रही हैं 4 महीने लड़की रहती है। नहीं था, जब उसके पास फोन आने लगा ना, तो मेरे से बात करने लगी धीरे धीरे, चुपके चुपके। तो जबरदस्ती कैसे हुआ जब 4 महीने से लड़की रह रही है वहाँ? 4 महीने के बाद सुरक्षित आपकी बेटी आई ना घर? हाँ, सुरक्षित आई। तो फिर ये कैसा जबरदस्ती, मतलब लड़की की कहीं ना कहीं इसमें कहता था ना कि तू अगर चली जाएगी तो मैं तेरे को चीरा मार दूंगा, तेरे घर वाले को मर्डर कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, मतलब खून करने के। बता रही हैं जनवरी में प्रीतम सिंह के साथ आपकी लड़की जाती है, 4 महीने बाद आती है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में आई। अप्रैल में आने के बाद अभी अक्टूबर में ये क्यों होता है घटना? इसलिए होता है कि तू मेरे से बात कर, फोन में बात कर, तू मेरे से बात कर, तू मेरे साथ चल। हाँ, तो ये बोल रही है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के कहाँ जाऊँ अभी। हाँ, मेरे पापा का इतना तबीयत खराब है, मैं कहाँ जाऊँगी छोड़ के, ये बात है। तो आपने अभी इससे पहले भी हॉस्पिटल में कोई बयान दिया था जिसमें ये कह रही थी कि पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा वगैरह कुछ कहा था आपने? मैं रोते रोते उसका हालत देख के मैं बोल दी कि मैं पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर, पर की उसको, हाँ की है ये, अब आप बोल रही हैं किए हैं। आप सोचिए कि जितने लोगों के सामने आपने बोला होगा या जिनको बताया होगा, तो आखिर पुलिस की छवि तो वहाँ खराब हो गई ना, जबकि उन्होंने अपनी आपकी बेटी को सेव करने की पूरी। सर मैं खून देखूंगी, किसी का हाथ काटा पीटा देखूंगी, तो जो दिखेगा वही ना बोलूंगी कि पुलिस मेरे लिए कुछ नहीं करी का, यही ना बोलूंगी। बाकी तो मैं ऐसा नहीं कि एकदम नहीं करे, मेरे लिए किए, पकड़ के ला लिए, पकड़ के लाए। हाँ, किसको फोन किया था आपने कि कौन आया? आकाश सर। वही लेके गए? हाँ, वही लेके गए। उन्हीं को कॉल भी की थी सर, वो घर आ गया है करके, आप देख लीजिए। सर मेरे घर पहुँचते वो हम लोग को चक्कू मार के चले गया। अच्छा, ये भी कहीं से बात आ रही है कि ये जो चोरी करता था, चोरी करके पैसा वगैरह आपके यहाँ कुछ देता था क्या? सर वो क्या पैसा वगैरह देगा हमसे, हम तो हस्पताल ही घूम रहे हैं, एक पैसा उसका नहीं जानते। उसकी माँ ऐसा ऐसा शब्द बोलती है, गंदा, और वो भी बोलता है हम लोग को क्या, हम लोग को इतना तबीयत खराब में हम लोग, वो लड़की जैसे तैसे कमा रही है अपने पापा के दुकान से, वो उसी से हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अभी आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? जीवन भर का उसको सजाए हो? नहीं, लेकिन सजा तो जो उसने किया है, जो कृत किया, उस पर तो सजा मिलेगी ही, लेकिन जो पहले का मैटर आ रहा है कि लड़की स्वयं गई थी साथ में, हम अपनी परिस्थिति देख के उस मैटर को सॉल्व करना चाह रहे थे, बाकी और ये नहीं है कि हम उसको छोड़ रहे थे। तो सॉल्व करने के लिए आपने पुलिस पे थोप दिया कि इन्होंने कुछ किया नहीं? ये तो गलत मानती हैं कि? हाँ, मानती हूँ। मतलब कि आपने... मैं अपने हस्बैंड का तकलीफ देख के कि मैं कहाँ घूमूंगी कर के, मैं बोली कि केस को हटा देते हैं, अपना जीते खाते हैं। क्या नाम है? प्रीतम सिंह। कहाँ रहते?
मिलन चौक। क्या करने गया था वहाँ? सर वो मैं उसको सोना और पैसा दिया था। सोना और पैसा? हाँ। तो सर वो लेने गया तो उसकी माँ और वो मेरे को रॉड से मारने के लिए किए, तो मैं जान सर उसको मार के और भग गया सर वहाँ से। और सर मैं दो दिन से पैसा और सोना मांग रहा था, तो इन लोग बोले बेच के मैं अपने पापा के इलाज में लगा दी हूँ। ऐसा बोले? हाँ। तो तेरा वो लड़की के साथ कुछ ऐसा था? सर मैं उसको ले के भग गया था, 8 महीना बाहर था। 8 महीने? हाँ, मुंबई दिल्ली में था, 8 महीना बाहर था। हाँ। फिर उसकी माँ, मेरा पैसा वैसा ख़त्म हो गया। हाँ। तो वो आके उसकी माँ बुला ली पैसा वैसा ख़त्म होने के बाद। अच्छा, सोना कहाँ का था? सोना चोरी का था सर। कहाँ से चोरी किया? सर सोना, सर एक तो वहाँ दिल्ली में थे, वहाँ वो की वो और मैं किए थे। अच्छा, लड़की भी? हाँ। और सर लाट घाट में एक होटल से 50,000 रुपये और निकाली थी, हमारे पास पैसा नहीं था। हाँ। तो वो लड़की होटल से, वो याद है मेरे को, हमारे गाँव में होटल है। हाँ। अभी भी वो रिपोर्ट लिखाया है, पर किसके नाम से लिखा है नहीं पता, क्योंकि उसको ये नहीं पता, हम चाय पिए, पैसा लिए और चले गए। अच्छा। हाँ। तो ये करने के बाद तुम लोग 8 महीना दिल्ली में थे? बाहर थे। हाँ सर। 8 महीना कि 4 महीने? 8 महीने, पूरा 7-8 महीने। लोकल क्षेत्र में कहाँ कहाँ चोरी की हूँ? लोकल एरिया में सर, लोकल एरिया में सिर्फ मोबाइल छीना हूँ और एक घर में सर, एक स्टनर और वो घर में चोरी की हूँ बस। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसकी उसकी माँ बोल रही थी कि जो चाकू है। हाँ। तो मारे उसको? जी सर। तो ये उसलिए मारे हो कि क्या बोलते हैं, भगा के ले गए थे उसके बाद? सर वो भगा के ले गया था, पर मेरा पैसा और ये सोने चोरी, सोने का अंगूठी और मंगलसूत्र इन लोग ले लिए सर, और बोल रहे हैं बेच के हम अपने पाप उनके चाकू के नोक पे ले गए थे, मतलब उसको? नहीं सर, वो फोन करके खुद बुलाई थी सर, कॉल रिकॉर्डिंग उसका चेक कर लीजिएगा। नहीं, उसकी माँ का कहना है कि लड़की को तुम ट्यूशन? नहीं सर, वो खुद कॉल की थी, मेरी मम्मी मार रही है, डांट रही है, उसके घर में गाजर का हलवा बना था उस दिन, खुद मेरे को फोन की और अपना उस दिन बैग लेके आई थी और पैसा भी लेके आई थी साथ। तुमको क्या बोली वो? मेरे को बोली लेके चलो, मेरा तो मन नहीं था सर, और मैं आपको सच सच बता दूँ सर, मेरे को पता था नाबालिग का केस लगेगा, लेकिन वो खुद अपने एक हाथ से ताली नहीं बजता सर, वो खुद अपने से गई तब मैं लेके गया, किसी को सर मैं जा तो किसी को सर मार के छीन के झपट के नहीं ले जा पाऊँगा सर, किसी को भी रास्ते में बोल सकती है, ट्रेन में ले जाऊँगा बोल देगी तो मेरे को सर पकड़ नहीं लेंगे, अपने मन से गई, 6-7 महीना थी सर, चाहती तो थाने के बगल में रहता था सर, वहाँ नहीं बोल पाती वो कि वापस कैसे आई फिर वहाँ से? वापस उसकी माँ बुलाई, मेरे से पैसा ली और वहीं उसका मामा रहता सर, 2000 पहली भाड़ा किराया बस। हाँ। और बोले जाने नहीं? हाँ। वो अपने मन से आई। अच्छा। उसकी मम्मी बुलाई तो, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसा नहीं था सर, पूरा पैसा खत्म हो गया था, पैसा खत्म, वो वापस गई, पैसा खत्म होने का आ रही थी। हाँ, फिर आई। हाँ। एक महीना हम लोग गांव में थे, घर आने के बाद आजमगढ़। हाँ, यूपी। हाँ, यूपी। एक महीना फिर वहाँ थे, उसके बाद फिर आए तो फिर वो घर गई, उसके बाद हम लोग फिर घूमते फिरते थे। तो आज मैं पैसा, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं 2 महीना से सर यूपी में था। हाँ। अभी कल आया हूँ डोंगरगढ़, और डोंगरगढ़ से यहाँ घूम रहा था इधर उधर, उसके बाद इससे गया, कल रात से पैसा मंग रहा हूँ सोना, तो बोल रही है नहीं है, पापा के इलाज में खर्चा हो गया। हाँ। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, देना तो पड़ेगा ही, इसीलिए तुम चाकू चला दिए? सर चाकू नहीं था सर, वो कटर था, हाथ में मार दिया। कटर कहाँ से लिए? सर कटर लिया था मैं मार्केट से। मार्केट से? जी सर, 20 रुपये का। अब इस पूरे कथा कहानी किस्से के मामले को लेकर के जब ये हकीकत को हमने पिरोया, और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के हमने जो छावनी थाने के TI महोदय हैं चेतन चंद्राकर, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका क्या कुछ बयान था वो सुनिए। मिलन चौक का मामला है ये, प्रीतम नाम का लड़का था जिसने एक लड़की को कटर मारा है, और कटर मारने के बाद वहाँ से फरार हो गया था। उसको घटना के लगभग 1.5 से 2 घंटे के भीतर में हम लोग जो जामुल क्षेत्र में हथकोच के आसपास में पकड़े हैं उसको। पुराना अपराधी बताया गया? हाँ, पुराना अपराधी है, और संभवतः लड़की के साथ इसका प्रेम प्रसंग था, और उसी पर्पस में किसी से चीज़ से बात करने के उद्देश्य से गया था ये अंदर। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसका। किन किन मामलों में अपराध है इसके पर? आदतन चोरी का ज़्यादा अपराध है इसके विरुद्ध। तो एक कांड होता है कटरबाजी का, और उसके बाद लड़की और लड़के के बीच के बहुत सारी नज़दीकियां सामने आती हैं। ये भी पता चलता है कि लड़की भी लड़के के साथ मिलकर के चोरी किया करती थी, ऐसे किसी होटल में भी उसने चोरी किया था। बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, सारी चीज़ें मुँह जबानी जिन लोगों के ज़रिए बताई गई उनकी तस्वीरों के साथ हमने वो सारी बाइट दिखाई है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा इस मामले पर और ऐसे तमाम मामलों पर,
और ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमेशा हम पुलिस को टारगेट करते हैं कि पुलिस वहाँ पर मौके पर नहीं पहुँचती, जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है तो क्राइम लाजमी हो जाता है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है पुलिस, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक होती है और इसके बाद हम कोसने लगते हैं पुलिस को। ये जानना भी ज़रूरी है कि 2 घंटे में इस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है, जो आरोपी, जो लड़का उस लड़की का गला काटने के लिए वहाँ पर पहुँचा था। शुक्रिया।